आप सुन रहे हैं सहर विद कामिनी खन्ना। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात प्रणाम करने वालों के क्लेश को हरने वाले नाश करने वाले से कृष्ण वासुदेव हरि परमात्मा एवं गोविंद के प्रति मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ इस दिन की मंगलमयी बधाइयाँ बधाइयाँ जी बधाइयाँ। आज 16 अगस्त 2023 चंद्रमा कर्क राशि में शाम 4:56 तक, उसके बाद सिंह राशि में। नक्षत्र है अश्लेषा, शाम 4:56 तक, उसके बाद मघा नक्षत्र। थोड़ी ही देर में हम जानेंगे मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है आज के ग्रह नक्षत्रों का। चंद्रमा में बल नहीं है, अमावस्या चल रही है, इसलिए सुग्रही चंद्रमा बहुत ज़्यादा अच्छा असर कम दिखा पाएंगे। आज पुरुषोत्तम मास की समाप्ति हो गई और अधिक श्रावण मास की भी समाप्ति हो गई। कोई भी चीज़ की शुरुआत करने का तरीका एक ही है, चुप हो जाओ, बातें कम करो, काम ज्यादा करो। चलो शुरुआत करते हैं हम भी इस कार्यक्रम की सहर की। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए मेष से लेकर कन्या राशि का भविष्य जानते हैं हम इस प्रकार से। एक कर्क में स्वग्रही चंद्रमा है शाम 4:56 तक, उसके बाद सिंह राशि में, और नक्षत्र है बुध का अश्लेषा। मेष राशि, आपके लिए स्वग्रही चंद्रमा जो है वो आपके घर में सुखों की व्यवस्था करते हैं, आंशिक स्वरूप से माता पक्ष से सपोर्ट दिलाते हैं, और साथ साथ आपके वाहन वगैरह आने के भी योजनाएं बन सकती हैं। वृषभ राशि, स्वग्रही चंद्रमा यात्रा पर ले जाएंगे तो बहुत सारा फायदा करवाएंगे, आपके छोटे भाई बहनों के साथ मनमुटाव खत्म होंगे और वो साथ में मिलकर काम करेंगे, उत्साह पराक्रम बढ़ा रहेगा, व्यवसाय आगे बढ़ेगा। मिथुन राशि, स्वग्रही चंद्रमा बहुत खुशी देंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी, बोलने चलने के बिजनेस में आप आगे बढ़ेंगे और साथ में संचित धन होने की पूर्ण संभावना है। कर्क राशि, आपके लिए कई सारे काम ऐसे जो आपके लग्न में बैठकर लग्नेश आपके पर्सनालिटी को डेवलप करके बनाते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम बनेंगे, साथ साथ में आपके जो भी पर्सनालिटी से रिलेटेड काम आपको करने हैं वो भी बनेंगे, आज आप खुश रहेंगे। सिंह राशि, आपके लिए विदेश रिलेटेड समस्याएं खत्म होंगी, आपके प्रेम संबंधों से आपको खुशी मिलेगी, खर्च होंगे लेकिन आनंददायक। कन्या राशि, आपके लिए केसेस विवाद से आंशिक रूप से मुक्ति मिलेगी, आपके कुछ न कुछ काम बन जाएंगे, पैसों से रिलेटेड जो आने वाले थे और ताया चाचा पिता समान लोगों से फायदा होगा। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मैं इससे लेके कन्या राशि पर स्वग्रही चंद्रमा का प्रभाव। अगर आप ऐसा कुछ पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले आपने कभी किया ही नहीं, समझे आप। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात। मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ इस दिन की मंगलमय अति शुभ वाली बधाइयां बधाइयां जी बधाइयां। आइए जानते हैं हम तुला से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा स्वग्रही चंद्रमा का अश्लेषा नक्षत्र का। तुला राशि, आज के स्वग्रही चंद्रमा स्पेकुलेशन, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग से रिलेटेड फायदे दिलवा सकते हैं, लेकिन चंद्रमा में खास बल नहीं है इसलिए संभल के पिता समान लोगों से आपको फायदा होगा। वृश्चिक राशि, आपके लिए आज धन आने वाला था तो आएगा, नॉक नॉक कीजिए, कॉल कीजिए, धन के आने की पूर्ण संभावनाएं, और यात्रा पर निकलेंगे तो आपके काम बनेंगे, धन संबंधित आनंद में रहेंगे, एंजॉय करेंगे। धनु राशि, तबीयत थोड़ी सी नासाज है, आप बेचैन हैं और आप कलेश करते हैं, रोते हैं, इन सब से बचे रेस्ट कीजिए, शिव जी का नाम लीजिए। मकर राशि, आपके लिए आज के दिन आपके विवाहित जीवन के साथी से आपको खूब आनंद मिलेगा, वो आपकी सेवा भी करेंगे, आपको घुमाने फिराने भी ले जाएंगे, और आज का दिन व्यावसायिक पार्टनर के साथ कोई नया बिजनेस करने की रूपरेखा आखनी है तो
तो आप आगे बढ़ सकते हैं। कुंभ राशि, विरोधी शांत होंगे, लोन्स वगैरह मिलने में दिक्कतें खत्म होंगी और आज आपकी तबीयत भी पहले से हरी भरी रह सकती है। मीन राशि, मानसिक क्लेश खत्म होंगे, आपके बच्चों से आपको सहयोग मिलेगा, आपके कुछ ऐसे काम जो आपको अध्ययन विद्या पढ़ाई के मार्ग प्रशस्त करने से रिलेटेड थे तो वो बढ़ सकते हैं, आपके भी आपके बच्चों के भी वीजा भी लग सकते हैं और व्यवसाय बढ़ सकता है, मित्रगणों का सहयोग। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी, मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ा आज के ग्रह नक्षत्रों का, थोड़ी ही देर में हम जानेंगे वो राशि जिसके प्रेम संबंध खराब हो गए थे कैसे ठीक हो, याद है आपको वो राशि, चलिए थोड़ी देर में बताती हूँ और साथ साथ किसी एक की समस्या का समाधान। और आज के चंद्रमा किसे सबसे ज्यादा सुहा रहे हैं, बड़ी मजेदार बात है कि जब स्वग्रही चंद्रमा आश्लेषा नक्षत्र लेके आते हैं तो मिथुन राशि वालों को बड़ा फायदा होता है, उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। देखिएगा आज आपको आपका दिन अच्छा जाता है कि नहीं, मिथुन लग्न वालों को भी आज का दिन अच्छा जाएगा। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, मैं कामिनी खन्ना सहर कार्यक्रम में आप सभी के साथ। आइए मकर राशि वालों के प्रेम संबंध की गाथा जानते हैं, 2023 में क्या हुआ था उनके साथ में पूर्वार्ध में और अब आगे क्या हो रहा है। मकर राशि वालों, आपके प्रेम संबंध बिगड़ गए थे शुरुआती दौर में, अब 30 अक्टूबर के बाद पटरी पे आएंगे और धीमे धीमे पटरी पे आएंगे, अब 31 दिसंबर तक सब ठीक होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको अपने प्रेम संबंध ठीक करने के लिए ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए और साथ साथ किसी गुरु के शरण में जाके उनसे सलाहें लेनी चाहिए। सुप्रभात सुप्रभात सुप्रभात, मैं कामिनी खन्ना सहर करके मैं आप सभी के साथ। आइए किसी एक की समस्या का समाधान ईश कृपा से किए देती हूँ। बंबई से रजनी जी कहती हैं कि उनकी माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती, नंबर दिया है इन्होंने 9 और इनके हिसाब से इनकी माँ की तबीयत जो है, जैसे ही सूर्य सिंह में आएंगे और शुक्र से मुक्त होंगे तबीयत ठीक होनी शुरू हो जाएगी। इनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये सूर्य की रोशनी में गायत्री के मंत्र जपते रहें और सूर्य की रोशनी में बैठें। रजनी जी अपनी माँ को सूर्य की रोशनी में बिठाएं। हो गया जी इनकी समस्या का समाधान, फिर मिलूंगी इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है सहर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। अगर आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं तो व्हाट्सएप कीजिए 9967365686 पर, लिख भेजिए अपनी समस्या, अपना शहर, अपना नाम और 1 से लेकर 108 के बीच में कोई एक नंबर। अब मैं फेसबुक पेज RJ कामिनी खन्ना पर भी उपलब्ध हूँ आपसे बताने के लिए और इंस्टाग्राम पर कामिनी खन्ना नाम से प्रचलित हूँ, KAMINIKHANNA ये मेरे नाम की स्पेलिंग है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार।